अद्रिका जी, एक दिन हमने आपको कहानी सुनाई थी मिस्र के पिरामिड के बारे में। हाँ। सुनाई थी ना? वो कितने पुराने थे? ईसा से 2500 साल पहले, 2500 BC, उसी समय लगभग अपने देश में भी एक बहुत महान सभ्यता मतलब जहाँ पर लोग रहते थे। हाँ। बहुत सारे लोग रहते थे। हाँ। अपने देश में भी एक महान सभ्यता पनप रही थी, मतलब ग्रो कर रही थी, ठीक है। उसका सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं पता है? यहाँ पर ये देखो, तो ये है इंडस नदी। हाँ। ये है ना? हाँ। इंडस नदी है। हाँ। तो इस जो सभ्यता है। हाँ। वो मुख्य रूप से इंडस नदी के किनारे किनारे। हाँ। वैली। हाँ। वैली जानते हैं वैली क्या होता है? क्या? जो दो पहाड़ों के बीच की जो जमीन होती है, जो नदी के बहने से कट करके नीचे हो जाती है। हाँ। उसको वैली कहते हैं, घाटी। हाँ। ना उसको कहते हैं वैली। देखो तुमको बताएं, जैसे कि ये मान लो पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। हाँ। और ये नदी है। हाँ। तो ये एरिया जो है, ये जो है, ये वैली होता है, ठीक है। तो यहाँ मिट्टी अच्छी होती है, पानी अच्छा होता है। हाँ। तो यहाँ फसलें अच्छी होती हैं। तो ये मुख्य रूप से जो इंडस नदी है। हाँ? वहाँ उस नदी के किनारे किनारे सभ्यता पनपी। और ये पहले पूरा जब ब्रिटिश लोग यहाँ शासन करते थे। हाँ? तो ये पूरा जो पाकिस्तान है वो इंडिया के पार्ट नहीं था। हाँ? तो ये सभ्यता इंडिया में ही आती थी। हाँ? जब बंटवारा हो गया। हाँ? तो ये काफ़ी कुछ इसका जो है उधर चला गया पाकिस्तान में। लेकिन बहुत सारे स्थान, इसके जो रेगिस्तान है ना। हाँ? अपना ये राजस्थान के आसपास। हाँ? वहाँ पर भी पाए जाते हैं इसके बहुत सारे शहर, ठीक है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हाँ? क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा नगर था। हाँ? और जो सबसे पहला जिसकी खुदाई हुई थी। हाँ? उसका नाम हड़प्पा था, ठीक है। हड़प्पा तो उसको कहते हैं जो जंगल में लोग कहते हैं। नहीं, तो इसकी मालूम है सबसे खास बात क्या थी? क्या? ये अपने समय की बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता थी। एडवांस्ड मतलब? विकसित। हाँ। जैसे कि यहाँ जो मकान बने हुए थे। हाँ? वो पक्की ईंटों के बने हुए थे मकान। हाँ? और यहाँ पर जो शहर था। हाँ। उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल थी। हाँ। और जो अंदर घर थे। हाँ। वो एकदम लाइन से बने हुए थे, लाइन से। और जो सड़कें थी घर के अंदर, वो शहर के अंदर। हाँ। वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, एकदम सीधे, एकदम ऐसे ऐसे एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी। और सड़कें सब चौड़ी चौड़ी थी। जो इसकी मुख्य सड़कें थी। हुँ? वो कोई भी 9 मीटर से कम नहीं थी। हुँ? जैसे कि अपने घर के सामने वाली सड़क है ना। हाँ। इससे सकरी कोई सड़क नहीं थी वहाँ की, जो मुख्य सड़क थी। हाँ। सब सड़कें इससे ज़्यादा ही चौड़ी थी, ठीक है। और सबसे जो वहाँ पर अच्छी बात थी कि उस समय वहाँ पर अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, जैसे अपने घर का पानी है ना, पाइपलाइन बिछी हुई है। हाँ। वो वेस्ट पानी उसमें चला जाता है सीवर में। हाँ। फिर वो नदी में चला जाता है बाहर। हाँ। वैसे उस समय आज से 2500 साल पहले। हाँ। उन लोगों ने अंडरग्राउंड नालियां बना रखी थी जिससे पानी बाहर चला जाए शहर के। हाँ। समझ रहे हैं? हाँ।
कितने पहले कितना अच्छा उन्होंने काम किया था। और सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ ज्यादातर घरों में उनका अपना अलग कुआं हुआ करता था, जैसे हम लोगों का पंप लगा हुआ है ना, वैसे उन्होंने अपने अपने घर में अलग कुआं खोद रखा था और लोग उसी कुएं से पानी निकालते थे, ठीक है। और वो लोग बहुत ही बहुत एडवांस सोचते थे, आगे की सोचते थे। जैसे वहाँ एक उनका था और एक और जगह जो इंडिया में है उसी खुदाई भी, उस जगह का नाम है धौलावीरा। धौलावीरा ये बेसिकली रेगिस्तान में है। पहले क्या था, यहाँ एक नदी थी, ठीक है, यहाँ पर पहले नदी थी, यहाँ पर जो रेगिस्तान में राजस्थान में, तो इधर एक नदी थी, ऐसे इस तरह नदी थी, हकरा रिवर कहते हैं उसको। तो वो फिर कभी भूकंप आया होगा तो इसका क्या है कि धीरे धीरे नदी वो शिफ्ट हो गई और कहीं चली गई, कहीं इधर उधर चली गई होगी, वो पहले की बात है, कोई जानता नहीं कहाँ गई, लेकिन वो नहीं गई। तो जब वहाँ पर क्या है कि पानी कम होता था, कभी बाढ़ आती थी तब पानी होता था और फिर गर्मियों में पानी सूख जाता था। तो उन्होंने बहुत अच्छा पानी का इतना बढ़िया व्यवस्था किया था अपने शहर के आसपास। इस शहर के आसपास 16 तालाब थे बड़े बड़े, जिसपे जब बरसात में पानी नदी में बहता था ज़्यादा, तो नदी में उन्होंने बांध बना रखा था और फिर उस पानी को अपने तालाबों में भर लेते थे, और जब गर्मी में पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हीं से पीने का काम कर लेते थे और उसी से फसलें भी सींचते थे। और जहाँ शहर के आसपास का जो वो था इलाका था, पक्का ईंटें बनी थी, तो पानी जो बरसात का पानी होता था उसको इकट्ठा करके एक अलग तालाब में वो रोकते थे, ताकि उस पानी को भी सिंचाई वगैरह में इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। और उस समय तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पा सभ्यता जिसको कहते हैं, इसको ब्रॉन्ज एज इसको कहते हैं, मतलब ब्रॉन्ज युग कहते हैं। ब्रॉन्ज एक धातु होती है, तो उस समय वही धातु इस्तेमाल हुई थी। तांबा नहीं, तांबा नहीं होता, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा होता है, तांबा मीन्स कापर। और इसके बाद फिर आयरन एज आती है, इसके बाद फिर लोहे की खोज हुई लगभग 1000 BC में, ईसा से 1000 साल पहले, लेकिन उस समय तक लोहे का कोई वहाँ पर वो नहीं मिलता है। और यहाँ का मालूम है, यहाँ के लोग दूर दूर तक व्यापार भी करते थे। कि देखो यहाँ पर एक जगह मिली है गुजरात में अपने यहाँ, यहाँ पर एक जगह मिली है गुजरात में, लोथल कहते हैं इसको, ठीक है, ये बेसिकली बंदरगाह था। और यहाँ से ये जहाज लेते थे, यहाँ से जहाज ऐसे चलते 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 यहाँ मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उस समय, मेसोपोटामिया जानते हैं ना आप, जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, ये वहाँ अपने सामान बेचने ले जाते थे। तो यहाँ की कई सारी मोहरें वहाँ पर मिली हैं। और वो लोग संभवतः अपनी भाषा में इसको जो लिखते थे वो मेलुहा लिखते थे, जिसको जो सभ्यता इंडस वैली सभ्यता उसको मेलुहा कहते थे। और यहाँ का सामान यहाँ खूब ये बेचते थे, और यहाँ के तमाम बर्तन वगैरह वहाँ मेसोपोटामिया में भी खुदाई में मिले। और ये लोग एकदम अलग तरीके से लिखते थे, जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे कोई अच्छा जिनका नहीं रहता था। और वो ऐसी चिन्ह रहते थे कि अभी तक उनको कोई पढ़ नहीं पाया, अभी तक उसका जो है कैसे लिखते थे उन अक्षरों को जो कई जगह मिले हैं, उसमें मोरों में लिखा हुआ मिला है, कई जगह जमीन में लिखा पत्थरों से मिला है, लेकिन वो कभी अभी तक कोई उसको पढ़ नहीं पाया है। और फिर अचानक ये सभ्यता लगभग 1800 के आस BC के आसपास ये समाप्त हो गई, यहाँ के लोग ये पूरे नगर नष्ट हो गए, खत्म हो गए। तो अब इसमें लोग अलग अलग लोग अनुमान लगाते हैं, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि कोई वहाँ पर पानी की कमी हो गई, सूखा पड़ गया,
जिससे लोग भाग गए शहरों से। कुछ लोग कहते हैं कि भूकंप आ गया होगा तो शहर गिर गए होंगे, लेकिन काफी लोग ये कहते हैं कि जो आर्य आए 1500 BC के आसपास इधर सेंट्रल एशिया जर्मनी की तरफ से, तो वो जो आर्य आए उन लोगों ने हरा करके इनको मार दिया और दास बना लिया। कई लोग ये भी कहते हैं क्योंकि लगभग उसी समय के आसपास आर्यों के आने का वो मिलता है, और आर्य बेसिकली जो हिंदू संस्कृति थी उनके जो पुराने वेद हैं तो उसमें बहुत वर्णन भी है कि वो उन्होंने देवताओं ने उनको राक्षसों को हराया और वो ऐसे होते थे, काले होते थे। तो यहाँ पर उनको लोग कहते हैं कि जो यहाँ के जो निवासी थे उनको वो लोग राक्षस कहते थे, और जब वो आर्य आए थे तो उन्होंने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हराया होगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन अभी कोई एकदम सटीक प्रमाण नहीं मिलता है कि एकदम से कुछ कह सके कि हाँ इसी वजह से ये सभ्यता नष्ट हुई होगी, क्योंकि उसको कोई अभी तक पढ़ तो पाया नहीं, वहाँ जो लिखा हुआ था उसके अक्षरों को कोई जानता ही नहीं। तो अभी पूछा, और वो लोग गेहूँ की खेती करते थे, वो लोग जौ भी उगाते थे, वो लोग पशुओं को पालते भी थे, ये सब काम वो लोग करते थे। तो ये अपने देश की जो सभ्यता थी, ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं थी उनमें से एक थी। और इसकी कहानी हो गई आज की खत्म।